अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट गेमिंग के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभय और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक गुरु। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने GTA San Andreas में अल्ट्रा ग्राफिक्स कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप लोग इसके ग्राफिक्स देख सकते हैं। अगर आपको ये गेम डाउनलोड करना है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं गेमिंग से रिलेटेड वीडियो डेली लाता रहता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करिए और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको अपने ब्लॉग का लिंक दूंगा, आपको इसको ओपन करना है। तो यहाँ से नीचे ये यहाँ पे देखिए GTA San Andreas अल्ट्रा का ग्राफिक्स मोड फॉर एंड्रॉयड, और यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से नीचे चले जाइए। देखिए मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी दे दिया और यहाँ पे सब कुछ बता दिया कैसे डाउनलोड और कैसे इंस्टॉल करना है। और यहाँ पे देखिए APK और डाटा है, तो सबसे पहले APK पे क्लिक कीजिए और आप इस तरह के पेज पर आ जाएंगे। और यहाँ से नीचे जाइए, आपको यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको कैप्चा सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, अब यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे 5 सेकेंड वेट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लीज वेट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे गेट लिंक का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप दूसरे पेज में भी जा सकते हैं। इसको क्लोज कीजिए, फिर से वही पेज पर आइए और आप मीडिया फायर के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद फिर से मेरे ब्लॉग पे जाइए, यहाँ पे देखिए डाटा है, यहाँ पे भी यही सेम प्रोसेस से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए जेड आर्चीवर और ये वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो मैंने इसको भी पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। और आपने जहाँ भी फाइल को डाउनलोड किया होगा वहाँ पर चले जाइए। देखिए आप पहले APK पे क्लिक कीजिए ओपन और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे डाटा पे क्लिक कीजिए, एक्सेप्ट है और यहाँ पे आपको पासवर्ड मांगेगा, आपको लिखना है बाय और मेरे चैनल का नाम लिख देना है। लिखने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए एक्सेप्टिंग होना स्टार्ट हो गया। और एक्सेप्ट हो जाने के बाद आपको इस तरह का कॉमडोर रॉकस्टार गेम जो GTSA का फोल्डर मिल जाएगा, इसको ओपन कीजिए। फाइल्स में जाइए और यहाँ पे TXDB में जाइए GTA 3, और आपको ये जो 3 तो दिख रहा है आपको अपने GPU के हिसाब से इसको रीनेम करना है। अगर आपका माली है तो आपको इसको रीनेम करके आपको यहाँ पे कर देना है ETC, और अगर आपका पावर BR है तो आपको कर देना है PVR, और अगर आपका एंड्रेनो है तो आपको कुछ भी रीनेम नहीं करना है, आप अपने GPU के हिसाब से आपको ये तीनों को रीनेम कर लेना है। और फिर से बैक जाइए और यहाँ पे TXDB में जाइए और आपको यहाँ पे भी ये तीनों को रीनेम कर लेना है अपने GPU के हिसाब से। अगर आपका माली है तो आपको ETC कर देना है, अगर आपका PowerVR है तो PVR कर देना है, अगर आपका एंड्रेनो है तो आपको कुछ भी रीनेम नहीं करना है। उसके बाद बैक जाइए और उसको यहाँ से कट कीजिए, फिर से बैक और एंड्रॉयड में जाइए डाटा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट कर देने के बाद आप अपना गेम को ओपन कीजिए। गेम को ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑफलाइन पे क्लिक करिए और यहाँ से रिज्यूम पे जाइए। तो देखिए गेम ओपन हो रहा है।
तो आप लोग देख सकते हैं इसके ग्राफिक्स। और आपको यहाँ पे क्लियो मोड्स भी मिल जाते हैं, ऊपर से नीचे स्वाइप कीजिए तो आप लोग कार्स देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू। Hang him from the yard.